morning student, it is video number 8 of chapter structure of atom class 9 and today we discuss how neutron discovered. So let's start. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रॉन के डिस्कवरी का आइडिया अराइज कहां से हुआ, ये माइंड में कैसे आया. देखो थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं तब शायद हमें ये और अच्छे से समझ में आएगा. फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जे.जे. थॉमसन ने दिया. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे.जे. थॉमसन ने. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे.जे. थॉमसन ने. कि जे.जे. थॉमसन ने बताया कि एटम के पास एक पार्टिकल होता है जिसके पास नेगेटिव चार्ज होता है. उसके बाद ई गोल्डस्टीन आई. ई गोल्डस्टीन ने बताया कि एटम के पास एक टाइप का और पार्टिकल होता है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उसको हम प्रोटॉन बोलते हैं. तो मतलब अब तक ये बात पता थी कि एटम के पास दो सब एटोमिक पार्टिकल होते हैं, दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है एक पर नेगेटिव चार्ज होता है और ये दोनों नंबर में इक्वल होते हैं. इसलिए एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है. मतलब एटम पर नेट चार्ज कुछ भी नहीं होता, ना नेट चार्ज पॉजिटिव होता ना नेट नेगेटिव होता, क्योंकि जितने एक एटम पर प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता था और प्रोटॉन का मास वन यूनिट माना जाता था, वन यू माना जाता था, वन यूनिफाइड मास माना जाता था. और रदरफोर्ड ने अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से यह बताया था कि जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं, मतलब जितने भी एक एटम में प्रोटॉन है वो उसके सेंटर में रिसाइड होते हैं, सेंटर में ही लाई करते हैं, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते थे. तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने की थी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे.जे. थॉमसन ने की थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने की थी. तो इट मींस इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल होता है तो इलेक्ट्रॉन को तो हम इग्नोर कर देते हैं. तो एक एटम का जितना भी मास होता है वो ऑलमोस्ट नियरली इक्वल होता है टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स. एक एटम में जितने भी प्रोटॉन होंगे उन सब का मास किसके इक्वल होगा, मास ऑफ एटम के. बट ऐसा नहीं हो रहा था. जब भी वो मेजर कर रहे थे साइंटिस्ट एटम का मास, वो जो इंडिविजुअल प्रोटॉन्स हैं उनके मास से ज्यादा आता था. इसका मतलब भाषण में आ रहा है. देखो मान लो एक एटम लिया, एक एटम में पांच प्रोटॉन है पांच इलेक्ट्रॉन है. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो साइंटिस्ट ने एक एटम को पिक किया और उस एटम में पांच प्रोटॉन है पांच इलेक्ट्रॉन है. तो हम पांच प्रोटॉन और पांच इलेक्ट्रॉन का टोटल मास कर लेते हैं कितना आएगा, ठीक है. फिर हम पूरे एटम का मास करते हैं तो हम देखते हैं उस एटम का टोटल मास वो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का टोटल मास था उससे ज्यादा आता है. इसका मतलब ये है कि एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ कुछ और भी है, कोई और पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं. तो जेम्स चैडविक, किस कौन, जेम्स चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उन्होंने क्या किया, पोलोनियम नाम का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है. हालांकि आपको डिटेल नोट करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, ठीक है. जेम्स चैडविक ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उन्होंने क्या किया, एक पोलोनियम की नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट कराई, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई ऑन द बेरिलियम एटम. तो उन्होंने देखा नई रेडिएशन मिली और वो न्यूट्रल थी. समझ रहे हो, नई रेडिएशन मिली उनको, वो क्या थी, न्यूट्रल. और उसने इसलिए उसको नाम दिया गया न्यूट्रॉन. क्या नाम दिया गया, न्यूट्रॉन. तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसका क्रेडिट किसको जाता है, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जेम्स चैडविक को. So, neutron was discovered by James Chadwick in 1932. तो ये बात क्लियर होगी किसने डिस्कवर किया, James Chadwick ने. कैसे किया वो आपके सिलेबस में नहीं है. आइडिया कहां से आया ये जरूरी है जानना, न्यूट्रॉन का आइडिया कहां से आया.
समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन का मास 1U माना जाता है। और ये बात रदरफोर्ड ने बताई थी कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज उसके सेंटर में न्यूक्लियस में लाई करता है, तो एक एटम का मास नियरली ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन्स आना चाहिए, जैसे मैंने भी एक एग्जांपल दिया था। लेकिन एटम का मास टोटल मास ऑफ ऑल द प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा आ रहा था, तो इसका मतलब ये था, क्लियर इंडिकेशन था कि एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई थर्ड नेचर का पार्टिकल भी है, थर्ड पार्टिकल भी है और उसकी नेचर इनसे डिफरेंट है। तो वो कौन था? न्यूट्रॉन था। न्यूट्रॉन को सिंपली हम n से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल n से या कैपिटल n से, ठीक है। उसके बाद जो एक न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, तो एक न्यूट्रॉन का मास होता है ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, जितना एक प्रोटॉन का मास होता है। एक प्रोटॉन का मास कितना माना जाता था? 1U ना, तो हम इसका भी मास कितना लेंगे? 1U। कितना लेंगे? 1U। 1U का मतलब यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास आप समझते होंगे, ऐसा यूनिट है एटॉमिक मास यूनिट, जिसको बाद में IUPAC ने यू बना दिया था। AMU तो पढ़ा होगा, AMU लिखते थे पहले, हम इसको लिखते थे 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, बट IUPAC ने इसको चेंज कर दिया था 1U में। तो प्रोटॉन का मास भी 1U माना जाता है और न्यूट्रॉन का मास भी 1U माना जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास ये समझ लो कि 2000 टाइम्स कम होता है, या ये कहें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम्स ज्यादा होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल माना जाता है और प्रोटॉन का मास 1U होता है और न्यूट्रॉन का मास 1U होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, न्यूट्रल होता है। जैसे प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन जीरो होता है, जीरो चार्ज होता है। न्यूट्रल पर ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना नेगेटिव चार्ज होता है, और इसी वजह से इसकी डिस्कवरी लेट हुई थी, क्योंकि ये मैटर के अंदर ज्यादा पेनिट्रेट कर जाता है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज ना होने की वजह से ना तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता ना मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, इसलिए ये मैटर को ज्यादा पेनिट्रेट कर पा रहा था, इसलिए ये नोटिस में नहीं आ रहा था। तो लेट डिस्कवरी का रीजन समझ में, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, नो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। जैसे प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, बट न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, और यही रीजन था कि उसकी डिस्कवरी सबसे लेट हुई। नेक्स्ट, अब एक बात क्लियर होगी कि मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, हालांकि इसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आना चाहिए प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम का मास किसके इक्वल होगा? जब एक एटम में तीन चीजें, तीन पार्टिकल मिल गए, कौन कौन? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो इन तीनों का सम ही टोटल सम ऑफ एटम आएगा। बट इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो मास ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं एक एटम में, ऑल द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लाइज इनसाइड द न्यूक्लियस। कहां लाई करते हैं? न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कलेक्टिवली नोन एज, और उन सबको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो कहां होता है न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ ही एटम के न्यूक्लियस के अंदर होता है, और सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली एक 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 कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। तो अब एक बात हमें क्लियर हो चुकी थी, और वो ये बात थी कि एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं इलेक्ट्रॉन, जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक होते हैं प्रोटॉन, जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक होते हैं न्यूट्रॉन, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? JJ थॉमसन को। किसको जाता है? JJ थॉमसन को। प्रोटॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है ई गोल्डस्टीन को, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है JChadwick को। किसको? JChadwick को। बात समझ में आ रही है? और रही बात, एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो ये सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। तो मैं इसको ऐसे बना रहा हूं, ठीक है, रेड से। न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं सभी प्रोटॉन और सभी न्यूट्रॉन्स, सभी प्रोटॉन्स और
सभी न्यूट्रॉन और इसके चारों तरफ बने होते हैं सेल। एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं? एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल्स एंड फोर्थ एनर्जी लेवल। समझ में आ रही बात? एंड फोर्थ एनर्जी लेवल्स, ये इनमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। जैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, इसमें भी हो सकते हैं, तो ये सब हमारे क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। तो बात समझ में, जैसे यहां पर भी होगा, यहां पर भी हो सकते हैं, क्लियर, यहां पर भी हो सकते हैं, तो इन सब को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। इनको क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल्स। क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल्स। क्या कहेंगे हम इनको? एनर्जी लेवल्स। और इसको हम क्या कहेंगे? ये जो अंदर है सेंटर में, इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने डिस्कवरी की थी? रदरफोर्ड ने। बात समझ में आ रही है? तो ये था हमारा ओवरऑल डिस्कशन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे.जे. थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी ई. गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने, और न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने। और एक एटम के सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर लाई करते हैं, और जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं हम उनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स। एक बात और याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम में, जी हां, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। मान लो पांच प्रोटॉन है तो पांच ही इलेक्ट्रॉन हो गए, सो 5 + 5 - कितना हो गया? 0। अब आप कहोगे सर न्यूट्रॉन भी था, तो न्यूट्रॉन पे तो 0 ही होता है, तो 0 + 0 = 0। इसलिए एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब मैं आपके लिए जाते जाते एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, वो क्या? पॉजिटिव और पॉजिटिव में क्या होता है? रिपल्शन। नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होता है? रिपल्शन। और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन। मान लो ये दोनों प्रोटोन है, तो इस पर भी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव, यानी एक दूसरे को दूर भगाएंगे, रिपेल करेंगे। बट मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे। बट मान लो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पर तो कोई चार्ज नहीं है, छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, न्यूट्रॉन की तो प्रॉब्लम है ही नहीं है। लेकिन मान लो इस, ये एक ऐसे एटम का न्यूक्लियस है जिसके अंदर पांच प्रोटॉन है, तो पांच के पांच प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। फिर भी एक साथ है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन ये है कि जब सब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो सारे के सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर कैसे लाई करते हैं जबकि उन पर सेम चार्ज है? और सेकंड क्वेश्चन, क्या हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रॉन होता है? क्या हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रॉन होता है? तो देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर हम नेक्स्ट वीडियोस में देने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर आप ढूंढ सकते हो तो जरूर ढूंढना। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।